देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। थोड़ा सा बहक गए थे। धानिया हमारी बहन है, वो ये बात जरूर समझेगी। और आज भी हम यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे प्लीज हिलना मत वहां से। अरे कुछ भी हो जाए हिलना मत वहां से प्लीज। हाँ धानी। दीदी प्लीज हमें बचाइए ध्रुव जी। हिल नहीं रही है इसलिए सांप भी कुछ नहीं कर रहे। धानी तेरे पीछे सांप है। धानी प्लीज प्लीज। प्लीज माथे लो, पीछे कुछ नहीं है तुम्हारे, कुछ नहीं है। हमें प्लीज कुछ सोचने दो, सोचने दो हमें। हाँ धानी, तुम गांव से हो राइट? तो खेतों में बहुत से सांप आते हैं और तो उनको उनको भगाने का एक तरीका होता है, तो तुम्हें पता होगा राइट? हम गांव से है ध्रुव जी, किसी जंगल से नहीं जो हमें ये सब पता होगा। मुझे लग रहा कि हम मजाक कर रहे हैं धानी इस वक्त। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, जानते हैं कि तुम गांव से हो जंगल से नहीं हो, लेकिन घर कभी कभी घर में किसी ने कोई देसी नुस्खा बताया होगा सांपों को भगाने का। सोचो धानी सोचो, थोड़ा जोर लगाओ अपने दिमाग पर। दालचीनी पाउडर। माता रानी कहती है कि उसकी सुगंध ने नहीं पसंद तुरंत भाग जाते। दालचीनी दालचीनी दालचीनी। मैंने तुम्हारे पीछे मसाले पड़े। उन्हीं के बीच में कहीं दालचीनी का डिब्बा होगा, प्लीज सर्च करो और प्लीज उसे उठाओ और अपने इर्द गिर्द घेरा बनाओ उसे। शुभ
काम करो, इस दालचीनी से अपने अपने इर्द गिर्द प्लीज घेरा बनाओ ताकि सांप तुम्हारी तरफ ना आ सके। जल्दी घेरा बनाओ प्लीज। किसी भी हालत में वो दालचीनी का डिब्बा उठाना होगा। ध्रुव जी, हम इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम जाके गाड़ी बाहर निकालो प्लीज, गाड़ी निकालो प्लीज, तुम जाओ गाड़ी निकालो, हम लेकर आ रहे हैं इसे। प्लीज आके खोलो धानी, प्लीज आके खोलो, आके बदमाश करना प्लीज। धानी, तेरी कहानी आज खत्म हो कर रहेगी। क्या कहा था दीदी, जिंदगी की नई शुरुआत करो। तेरे मरने के बाद हमारी और ध्रुव जी की नई शुरुआत होगी। ध्रुव जी हाँ, नहीं बोलो अपनी
कि आपके साथ बिताना चाहते हैं ध्रुव जी। समय बचा लीजिए, आज हमारी नई शुरुआत थी। भानी, भानी, सुनो हमारी बात, सुनो। गहरी सांसें भी पी रहो, हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। माना करता कि हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमें एक साथ ये जिंदगी साथ निभानी है, साथ जीना है हमें। हॉस्पिटल तो तुम कभी पहुंचोगे नहीं, बल्कि यही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगी। इसके हिसाब से आंखें मत बंद कर, हम अभी अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं तुम्हें। वादा करते कुछ नहीं होगा तुम्हें। सृष्टि, तुम दूसरी साइड आओ प्लीज। जी। जी। ध्यान रखना धानी, किसी भी हालत में बेहोश ना हो। धानी, धानी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ध्रुव जी क्या हुआ, हम चल क्यों नहीं रहे? समझ में नहीं आ रहा एकदम से क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या? अब हम क्या करेंगे? शिशि, धानी की आंखें खुली रहे। हम बाहर से मदद मांग कर लेकर आते हैं। ठीक है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ते रुके, भाई साहब हाथ जोड़ते प्लीज रुके। अरे यार कोई तो रुको यार, भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ते रुके, भाई साहब हाथ जोड़ते प्लीज रुके। यार इमरजेंसी है, कोई तो रुको। धानी, धानी शांत हो जा, अपने आप को ऐसे थका मत, ना दिक्कत हो जाएगी। बस कुछ देर और तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा धानी, उसके बाद एकदम शांति होगी। कोई दर्द नहीं, कोई मोह माया नहीं। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा रुको, रुको। अरे यार कोई तो रुको। ध्रुव जी, भाई साहब, भाई साहब।
आपकी मदद की जरूरत है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई एकदम से, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, अगर आप छोड़ देंगे बहुत मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज भाई साहब रुकिए बात। अरे यार ध्रुव जी रानी की हालत बिगड़ती जा रही है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलिए। वैसे हार नहीं मानेंगे, इसे हार नहीं मानेंगे। रानी को कुछ नहीं होने देंगे हम। ध्रुव जी रुकिए। तानी प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। तानी कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, अपनी आंखें खुली रखो। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तानी एक सेकंड रुको। सर उठा मेरी बात सुनो। धानी ध्रुव पांडे हो तो, धानी ध्रुव पांडे हो तो कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती धानी, तुम्हें हमारे लिए, इस रिश्ते के लिए जीना होगा। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं। एक बार फिर तुम्हारी हार हुई। तुम जितना इन दोनों को दूर करना चाह रही हो, ये दोनों उतना ही आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लगता तुम ही गलत हो, तुम जिसे पाना चाह रही हो ना, वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा जी, ध्रुव जी चाहे कुछ भी कर ले, वो धानी को नहीं बचा पाएंगे। आज इनके प्रेम कहानी का आखिरी पन्ना हर हाल में लिखा जाएगा। आप यहां से जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। धानी आके मत बंद करना प्लीज। धानी सुन रही हो ना तुम? जिंदा तुम्हें कुछ नहीं होगा तानी। सच कह रहे ध्रुव जी, एहसास हो रहा है कि कुछ नहीं होने दोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उठो तुम।
फ्लोर के सारे लाइट्स बंद कर दो और पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखना, ओके? डॉक्टर, डॉक्टर ये हमारी बीवी है, इसको सांप ने डस लिया है, मेडिकल इमरजेंसी की बहुत जरूरत है, प्लीज स्ट्रेचर लाना जल्दी फास्ट। थानी चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर थानी ठीक तो हो जाएगी ना? इनकी हालत काफी क्रिटिकल है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप प्लीज वेट करिए।